प्रभात, मेरा नाम अन्वेषा है। मैं तीसरी एस्टर में पढ़ती हूँ। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसका नाम है पिकनिक। तब रोहन को कक्षा का मॉनिटर बनाया गया, तब सभी बहुत खुश थे। इस शनिवार को स्कूल में पिकनिक मनाना जाना चाहते थे। तब प्रधानाचार्य ने पूछा कि आप सब हमारी पसंदों की जगह जाते हो, तो आज आप अपनी पसंद की जगह बताओ। तो सारे बच्चों ने अपनी पसंद की जगह बताई। तब अध्यापक ने देखा कि रोहन चुप है, तो अध्यापक ने पूछा कि रोहन, तुम बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो रोहन ने बोला कि मैं रुद्रकुंड जाना चाहता हूँ, वहाँ के गर्म पानी का नहाने में मज़ा ही कुछ और है। वहाँ जाने के लिए सारे बच्चे बहुत उत्साहित थे। तब वो फिर बस में बैठ के रुद्रकुंड की ओर चल निकले। वहाँ एक फाटक आया, तभी रोहन ने बस ड्राइवर को रोका कि जरा देख लो कि कहीं ट्रेन तो नहीं आ रही है। वहाँ ट्रेन नहीं आई, तो वो चल निकले। तो वो रुद्रकुंड पहुंच गए थे। उनके साथ दो अध्यापक भी आए थे। अध्यापक ने बोला कि कम पानी में जाना और पेड़ों में मत चढ़ना। सारे बच्चों ने वहां तरह तरह के खेल खेले और बहुत मजे किए। तब वो आने लगे, फिर से फाटक आया। फिर रोहन ने बोला कि ड्राइवर अंकल, फिर से देख लो कि कहीं ट्रेन तो नहीं आई है। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे कि देखो वो डरपोक है, उसको हमेशा खतरा ही सूझता है। रोहन को बहुत बुरा लगा, पर फिर भी उसने ड्राइवर को बोला। तभी एक बहुत तेज ट्रेन आई। सारे बच्चे रोंगटे खड़े हो गए। आज रोहन की वजह से हमारी जान बच गई, नहीं तो हमारे कुछ उम्र निकल जाना था। फिर सभी बच्चों ने रोहन को घेर लिया और उसको धन्यवाद किया। फिर रोहन ने बोला कि मैं तुम्हें गाना गाने के लिए थोड़ी ना रोक रहा था, तुम्हें बस ये देखना है कि सतर्क कहाँ हो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी रोहन की तरह सतर्क रहना चाहिए। धन्यवाद।